इन्फ्लेशन मतलब घुसपैठ इस देश की इतनी बड़ी समस्या इस वक्त बन गई है, लेकिन ज्यादातर सरकारों का, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का इस तरफ उतना ध्यान नहीं है जिस तरफ होना चाहिए था। अब तक ये घुसपैठ दिखाई देती थी देश के सीमावर्ती इलाकों में, लगातार मुस्लिम बहुल इलाके होते जा रहे हैं सीमावर्ती इलाके, लेकिन अब ऐसा कोई भी हिंदुस्तान का बड़ा शहर नहीं बचा जहां बांग्लादेशी घुसपैठ ना कर रहे हो, रह ना रहे हो, या फिर उनके अपने ठिकाने ना हो। रिपोर्ट्स बेहद चौंकाने वाली हैं, बांग्लादेश से जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो वाकई में एक गंभीर मुद्दा है, चौंकाने वाला है। आप सभी का स्वागत, मैं हूं अभिषेक पुंडीर, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। आप बंगाल से आती हैं, बंगाल में रहती हैं, बंगाल को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। बंगाल से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो घुसपैठ हो रही है, वो अब ज्यादा बढ़ गई है। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते, सब कुछ है उनके पास। अगर एक बार कोई भारत की सीमा में दाखिल हो गया तो उसे आप नहीं बता सकते कि ये बांग्लादेश का है या फिर भारत का है। कैसे समस्या का समाधान? देखिए, मैं आपको पहले बहुत बारीकी वाली बातें बताना चाहती हूँ कि बंगाल में घुसपैठिया इसलिए भी नहीं समझ में आते हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बांग्लादेशी बंगालियों की भाषा और पश्चिम बंगाल के बंगालियों की भाषा ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट, और ये ऐसा घुल मिल जाते हैं और ऐसा रहने लगते हैं कि अब तो दुर्भाग्य की बात है कि ममता सरकार में इनको सरकारी नौकरी भी मिलने लगी। और हालिया में जो 5 लाख ओबीसी के सर्टिफिकेट जो कैंसिल न्यायपालिका ने किया है, द ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया है, क्या पता उसमें भी सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया ही हो। बिल्कुल हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है अभिषेक जी कि मैं 2014 में बांग्लादेश बॉर्डर जो बशीरहाट का क्षेत्र पड़ता है वहां पर हारवा पड़ता है और उसके आगे में ही बंगाल से बांग्लादेश बॉर्डर, बस एक एक भित्ते का फर्क होता है, और वहां पर मैंने दिवाली बीएसएफ के साथ मैंने मनाई थी और मैंने उनको मिठाइयां रिप्रेजेंट की थी, और तब मुझे उन लोगों ने, हमारे बंगाल के बीएसएफ ने और बांग्लादेश के बीएसएफ दोनों ने ये बातें बताई थी कि नाज़िया जी अगर कानून सख्त कर दिया जाए, नाज़िया जी अगर सरकार सख्त हो जाए, नाज़िया जी अगर हमें ये अनुमति दे दी जाए कि जो भी घुसपैठिया घुस रहा है भारत में हम उसको बिल्कुल अपफ्रंट ओपनली अरेस्ट कर सकते हैं, तब ये घुसपैठिया का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है। ये उन्होंने कहा था, बांग्लादेशी जो बीएसएफ वाले थे और जो आर्मी थे, उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि अपनी नजरों से हम देखते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ की सरकार भी कुछ सख्त कदम नहीं उठाती है, और जो पश्चिम बंगाल जा रहे होते हैं वहां की सरकार भी ना कम्युनिस्ट के जमाने में, लेफ्टर्न के जमाने में कोई सख्त कदम उठाती थी और ना अब ममता बनर्जी के जमाने में कोई सख्त कदम उठाती है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो पाकिस्तान से, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो लोग अपने एमएलए और मिनिस्टर के लेटर हेड पर सबको आइडेंटिटी देते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फाड़ के देते हैं, बेटा जो है वो काउंसिलर है, पिता जो अब्बू जान जो है वो एमएलए है, वो मंत्री भी है, अब क्यों ना उनके लेटर हेड का मान्यता बहुत बढ़ जाए। दुर्भाग्य की बात यह होती है कि अपनी आंखों से ये दूरदशा होते हुए हम पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे भारत का देख रहे हैं, पर अब तक सर्वोच्च न्यायपालिका इस पे कोई कड़क संज्ञान लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। जब मस्जिद की बात आती है, मदरसे की बात आती है, हिजाब की बात आती है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका बड़ा एक्टिव दिखाई देता है। सुओ मोटो के मामले में सर्वोच्च न्यायपालिका बड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, लेकिन जब भी भारत में घुस रहे घुसपैठियों के बारे में बात आती है तो ना सुओ मोटो का संज्ञान दिखाई देता है और ना ही सर्वोच्च न्यायपालिका के कोई जजेस बहुत एक्टिव। आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आपने कभी इस ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिलाने की कोशिश की? नहीं, मैंने अब तक तो नहीं की थी। 2014 में इस मामलों को सुनने के बावजूद भी, ये तब शायद मैं उतनी उम्र की नहीं हूँ, शायद आपको तस्वीरें नजर आ ही रही है मेरी, लेकिन अब मैंने ये सोचा है क्योंकि अमानतुल्ला को जिस हिसाब से 10-10 हजार की गड्डियां देते हुए मैंने देखा, मैंने जिस हिसाब से असदुद्दीन अवैसी के दो विधायकों को आईडी कार्ड बांटते हुए देखा, बोगस वोटर्स को वोट करवाते हुए देखा है,
अब असदुद्दीन अवैसी के दो विधायक आज भी दो जो लीडर है वो आज भी अरेस्ट है। अमानतुल्ला खान तो इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के चक्कर में आज जेल तक चले गए। उन्होंने तो दिल्ली में हिंदू मुस्लिम राइट कराने की कोशिश कर दी। आपको मैं बताते चलूं कि किस हिसाब से हमारे डायमंड हार्बर का एक किस्सा मैं बताना चाहती हूँ कि उलबेरिया हावड़ा ग्रामीण में कई ट्रांसजेंडर बसते हैं, ट्रांसजेंडर्स, और उनके परिवार वाले भी बांग्लादेश से आकर के बस जाते हैं। उसमें से कई लोगों ने भारत में रह रहे लोगों का मर्डर किया है। जो मैंने डायमंड हार्बर का उलबेरिया हावड़ा ग्रामीण का ये मैटर देखा था, और वो दोबारा बांग्लादेश भाग गए, आराम से मर्डर करके यहाँ पर लोगों को जिंदा जला करके भाग गए। अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी के भतीजे जो मुख्यमंत्री है, श्रीमती ममता बैनर्जी पश्चिम बंगाल की, उनके भतीजे के क्षेत्र में करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिया है, करोड़ों करोड़ों हाँ करोड़ों लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभिषेक बैनर्जी 7 लाख वोटों से कैसे जीत सकता है। मतलब ये तो अद्भुत हो गया है भाई, उनका अलग से अपना पॉकेट वोट है। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सारे हिंदू कह रहे हैं हमने तो वोट किया, सारे मारवाड़ी कह रहे हैं हमने तो वोट किया, जो संवैधानिक मुसलमान है वो कह रहे हैं भारत में हमने तो बीजेपी को वोट किया। तो आखिर ये जो वोट एक्स्ट्रा गया ये किसका गया है? ये गया है उन साइलेंट वोटर्स का जो बांग्लादेशी घुसपैठ क्या है। ये आराम से मुसलमान नेताओं से मिल करके अपने संपर्क बना करके पैसे दे करके ये आराम से वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, ये आराम से आधार कार्ड बनाते हैं, ये आराम से नौकरी पाते हैं, ये आराम से यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आराम से कंस्ट्रक्शन डेवलपर का काम भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हमें पता है आसानी से इनको पहचान दे रहे हैं आधार, पैन, बैंक खाते, तो उस पर सरकार नाकाम है या फिर किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश? मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक मैटर शोभा हल्दर श्यामपुर पीएस मर्डर केस का था, ये मैटर 2012 का था, उसको उठा करके उसी बांग्लादेशी मर्डरर को वापस एक्सट्राडिट करके बुलाने के लिए मैं कलकत्ता हाईकोर्ट तक गई। ये मैटर अभी भी पेंडिंग है क्योंकि पुलिस इसमें लापरवाही बरत रहा है, और मेरे कलकत्ता हाईकोर्ट में जाने के बावजूद भी जो मर्डरर था वो बांग्लादेश से डायमंड हार्बर आता था और डायमंड हार्बर से फिर बांग्लादेश जाता था। पुलिस को पता था, पर पुलिस ने एग्जैक्ट रिपोर्ट बिल्कुल भी किसी भी हाल में ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट को नहीं दिया जानबूझ करके। आई हैव द एंटायर डॉक्यूमेंट्स जानबूझ करके। अब ये मैटर ऐसा हो चुका है कि अब पुलिस से रोज पूछा जा, जब भी ये मैटर बेंच पर आता है पुलिस से पूछा जाता है कि आखिर आप पूरा एग्जैक्ट रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। पुलिस के पास कोई जवाब ही नहीं होता है, पश्चिम बंगाल की पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। और यही पश्चिम बंगाल जो जिनके मुख्यमंत्री 2012 में स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंक रही थी और कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया भरे हुए लेफ्ट फ्रंट रखा है उनको ताकि वोट करवा सके, जाली वोटों का धंधा लेफ्ट फ्रंट चलवा रहा है, यही ममता बैनर्जी ने कहा था रोते बिलखते हुए और कागज फेंकते हुए। और आज वही साइलेंट वोटर, आज वही घुसपैठिया वोटर्स उनको इतने पसंद है। अब मैं आपको दमदम का एक हिस्सा बताती हूँ। दमदम में जितनी भी कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टीज है उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उसको हड़प करके बांग्लादेश के डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर आ करके लाखों करोड़ों रुपए लगा करके, और दमदम म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन जो ममता बैनर्जी के बहुत नजदीकी नेता हैं उनके माध्यम से सारे आर्मी की कैंटोनमेंट जमीन को बांग्लादेश डेवलपर के हैंडओवर किया जा रहा है, वहां पर डेवलप हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही है इलीगल और कोई काम नहीं हो रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक मैंने फाइल किया हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक हो चुका है कि सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दो, इस आदमी का पासपोर्ट दिखाओ, कुछ नहीं हो रहा है। पुलिस बिल्कुल कान में रुई डाल करके आराम से बैठी हुई है और ममता बैनर्जी के नेतृत्व में उनके छत्र छाया में पुलिस से लेकर के उनके नेता इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे हैं और पाल पोस रहे हैं और उनको सारे रिजर्वेशन का लाभ भी दे रहे हैं। अगर ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चले तो क्या, तो कुछ समाधान है? क्योंकि भाड़ेबंदी तो 290 किलोमीटर की अब तक नहीं हो पाई है, 900 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा ममता सरकार पर चले तो क्या स्थिति काबू में लाई जा सकती है? क्योंकि इस वक्त देश के हर बड़े शहर में घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए सिर्फ घुसपैठिए ही हैं या फिर कल
आने वाले कल में अगर स्थिति ऐसी बनती है तो क्या स्लीपर सेल्स का भी काम करेंगे? कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी हालिया में जाबेरिया बोल करके एक लड़की पाकिस्तान से आई थी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में शादी करने के लिए, और उसके बाद यहीं की रह गई, वापस तो नहीं गई। ढोल बाजा ताशा के साथ अटारी बॉर्डर से लेकर आए थे, उसके ससुर चुम्मा चाटी करते हुए लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद वापस तो नहीं गई। पश्चिम बंगाल के मुसलमान लड़के जानबूझ करके बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लड़कियों को पसंद करते हैं और शादी करते हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल में मुसलमान लड़कियां नहीं है क्या लिखा पढ़ने के लिए? स्लीपर सेल का काम बहुत धुएंधार हो रहा है। आखिर क्या बात है कि हम देखते हैं कि बांग्लादेशी मुंबई में अरेस्ट हो जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र में अरेस्ट होते हैं, केरला में अरेस्ट होते हैं, दिल्ली में अरेस्ट होते हैं, बेंगलुरु में अरेस्ट होते हैं, चेन्नई में अरेस्ट होते हैं, गुजरात में अरेस्ट होते हैं, आंध्र प्रदेश में अरेस्ट होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अरेस्ट नहीं होते। इस बात का रीजन समझिए कि थोड़ा ही बहुत, मान लीजिए 1 लाख बांग्लादेशी है मध्य प्रदेश में, अगर 5 भी अरेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आवाज तो गूंज रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कोई भी अरेस्ट नहीं होता है। आपको मैं बताती चलूं कि 2015 में एक 72 साल की नन का बलात्कार चर्च में घुस करके 5 बांग्लादेशी मुसलमानों ने किया था। 5 बांग्लादेशी मुसलमानों ने कैसे कर लिया, कैसे वो आ गए और आज तक वो किस हिसाब से आए हैं आज तक कोर्ट को भी नहीं पता चला और पुलिस ने बताने की कोशिश भी नहीं की है। 5 बलात्कारी आरोपी और जेल में आराम से घर जमाई बन करके खाना खा रहे हैं पश्चिम बंगाल के जेल में, उनको बांग्लादेश भेजा भी नहीं गया है, जावेरिया आज भी है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है इस भारत के मुसलमानों का, जो बांग्लादेश से बेटियां बुलाते हैं यहाँ निकाह करने के लिए, पाकिस्तान से बेटियां बुलाते हैं यहाँ निकाह करने के लिए, और बांग्लादेश और पाकिस्तान स्लीपर सेल और हनी ट्रैप में तो बहुत ही फॉरवर्ड है, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है, ओवर फॉरवर्ड है। वो लोग आराम से बेचते हैं और क्या ही पता कि गाहे बगाहे जो हमारे भारत में इतने सारे टेररिज्म एक्टिविटीज होते हैं वो इनकी बीवियां ही करती हैं। नाजिया जी, समस्या का तो पता चल गया, लेकिन सरकार केंद्र में आपकी है, 10 साल हो गए, 5 साल और आपको जनता ने दिए हैं, इलाज क्या है? इलाज यही है कि सर्वोच्च न्यायपालिका को, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को वैसे ही एनर्जेटिक होना होगा हमारे पिटिशन पर जैसे वो बाबरी मस्जिद के लिए होते आए हैं, जैसे वो मदरसे के लिए होते आए हैं, जैसे वो हिजाब के लिए होते आए हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन अब सर्वोच्च न्यायपालिका को खत्म करना पड़ेगा, एक तरफा मोहब्बत अब खत्म करनी पड़ेगी सर्वोच्च न्यायपालिका को, और देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों के लीगल राइट के लिए अब सर्वोच्च न्यायपालिका को एनर्जेटिक होकर के ऐसे ऐसे मुद्दों के रिप्रेजेंटेशन को एक्सट्रीमली एनर्जेटिक होकर के फैसला सुनाना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी, जिस तरीके से आपने बंगाल के हालातों पर चर्चा की, कि जिस तरीके से बताया कि इन्फिल्ट्रेशन जिस तरीके से हो रहा है, घुसपैठ वाकई में इस देश में बहुत बड़ी समस्या है, और ये जो सवाल नाजिया जी ने उठाया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं लेकिन बंगाल में घुसपैठिए गिरफ्तार नहीं हो रहे, जबकि जन्मदाता बंगाल ही है, बंगाल के रास्ते ही देश के अलग अलग हिस्सों में ये घुसपैठिए पहुंचते हैं, और कल खुदा ना खास्ता अगर हिंदुस्तान के ऊपर कुछ ऐसी स्थिति आती है, पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ 1-to-1 होता है या पाकिस्तान के साथ हमारी कुछ लड़ाई होती है, तो ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ ही हिंदुस्तान की खाकर स्लीपर सेल्स कब बन जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, नहीं तो देश भयावहता देखेगा किस तरीके से घुसपैठियों की, ये जो घुसपैठ है ये काम करती है। एक बार फिर नाजिया जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।